हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपका आपके ही यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। एक वीडियो यहाँ पर आपके लिए रिलीज हो चुकी है हमारे चैनल पे, जाके देख लीजिएगा। ओके, शीतल कूल प्रोडक्ट, शायद आपने नाम नहीं सुना होगा, मैंने तो नहीं सुना था, बट आपने सुना हो तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। इस ये पर्टिकुलर कंपनी जो 80 रुपए का स्टॉक 500 रुपए तक जा चुका है, और ऑन द बेसिस, ऐसा नहीं कि किसी किसी ने भी यूं भगा दिया, ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल ये शेयर भागा है, ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल ये शेयर भागा है, तो ये बेहतरीन शेयर है। और आपको दो शेयर यहाँ पर बताए थे, ओके, एक बजाज हिंदुस्तान था, इसके अलावा एक और शेयर था जिसका नाम था रेणुका शुगर। ओके, दोनों शेयर से रिलेटेड हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। क्या आप बात करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं इन शेयर से रिलेटेड कि इन शेयरों में एग्जैक्टली क्या होने वाला है, क्या हो सकता है उससे रिलेटेड, क्योंकि ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया है दोनों में, और दोनों शेयर आपको बहुत नीचे से दिलाए थे। यहाँ पर रेणुका हमने बेच दिया था, बट रेणुका अगेन यहाँ पर भागता हुआ नजर आ रहा है, और यहाँ पर अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ भागा है, तो यहाँ पर और भी ज्यादा तेजी हो सकती है, बजाज हिंदुस्तान में अच्छी खासी तेजी हो सकती है। बट दोनों शेयरों में क्या करके कैसे किस तरीके से ट्रेड लेना है उससे रिलेटेड हम बातें करेंगे। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, रिक्वेस्ट करूंगा, इन्वेस्ट फॉर एवर चैनल आपका चैनल है, आप को ही इसको सपोर्ट करना है, जितना हो सके सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, जितना हो सके फैलाने की कोशिश करिए। आप भी सीखिए, ओके, आप जितना सीखेंगे, आप जितना देखेंगे, आप जितना लाइक करेंगे, आप जितना कमेंट करेंगे, ओके, कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा, जितना सपोर्ट करेंगे उससे मोटिवेशन बढ़ेगा और मोटिवेशन हमारा बढ़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, आपने कभी इस शेयर का नाम नहीं सुना, आपको ऐसे शेयर से रिलेटेड बातें की गई, आपने और बहुत सारे शेयर का नाम नहीं सुना होगा, उन शेयर से रिलेटेड यहाँ पर वीडियो बनाएंगे, और जितनी मेहनत हम करेंगे बस आपके सपोर्ट के लिए कि आप हमारे सपोर्ट करें, आप सपोर्ट करेंगे, ऑब्वियस सी बात है हमारा चैनल ग्रो होगा, हमारा चैनल ग्रो होगा तो बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो आपके लिए लाई जाएगी। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, और ये पर्टिकुलर नंबर पे आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर दो स्टॉक से, ब्रेकआउट स्टॉक है दोनों के दोनों, दोनों के दोनों यहाँ पर नीचे से दिलाए हैं। यहाँ पर बजाज हिंदुस्तान की बात करें तो 15 रुपए के लेवल से यहाँ पर आपको यहाँ पर दिला रखा है, फिर 17 पे जब ये शेयर आया था तब भी यहाँ पर आपसे कहा था कि ये शेयर भागने वाला है, वीडियोज होंगी बहुत सारी, हो आपको आई बटन पे मिल जाएगी वो। इसके अलावा बात करें यहाँ पर रेणुका शुगर, रेणुका शुगर को तो नीचे से हमने पकड़ा था, ओके, इसके बाद हमने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी करी, उसका नीचे गया, अगेन भागता हुआ नजर आ रहा है, तो अगेन मैं यहाँ पर एंट्री लेने की सोच रहा हूँ। इसमें मैं इन्वेस्टेड नहीं हूँ, बस इसमें मैं लगभग 28% के रिटर्न कुछ ही दिनों में यहाँ पर मिलते हुए नजर आए, और जो हमारे क्लाइंट है उन्हें भी यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट होता हुआ नजर आ रहा है। तो हम बात करेंगे इन्वेस्ट फॉरएवर चैनल में दो स्टॉक से, बजाज हिंदुस्तान और रेणुका शुगर। देखिए टारगेट निकालना, ओके, मैं यहाँ पर बहुत जल्दी एक चैनल बनाने वाला हूँ, थोड़ा सा टाइम और दीजिए, 1 से 2 महीने का चैनल आपके पास आएगा, जिसमें आपको टेक्निकल की चीजें यहाँ पर आपको बताऊंगा, और उस केसेस में यहाँ पर आपको चीजें समझाऊंगा कि क्या किस तरीके से यहाँ पर हो सकता है, तो वो आप चीजें समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर एक बेहतरीन चीज आपको यहाँ पर दी गई है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप टारगेट भी निकाल पाएंगे, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप ट्रेड कर पाएंगे, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप यहाँ पर अच्छे खासे पैसे बना पाएंगे। देखिए इंट्राडे मैंने यहाँ पर टेक्निकल सीखा है, इंट्राडे में कोई प्रॉफिट नहीं है, ओके, बहुत ज्यादा रिस्क है, कम प्रॉफिट है, इससे बढ़िया पोजिशनल ट्रेडिंग जो हम करते आए हैं, ओके, जो हमारा टारगेट है उस पर हम अचीव करते रहेंगे, इतना पैसा हम इतना बना लेंगे कि जो ट्रेडर भी नहीं बना पाएंगे, टू बिलीव मी, तो यही होता हुआ नजर आता है, और उसी पैसे को इन्वेस्टिंग में डालते रहेंगे तो पैसा अपने आप जुड़ता रहेगा, कंपाउंडिंग से पैसा बनता रहेगा। बट यहाँ पर हम उससे रिलेटेड बातें नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं बजाज हिंदुस्तान से रिलेटेड। बजाज हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैं कुछ ट्रेड लाइन यहाँ पर ओपन यहाँ पर खींचना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर ये एक सपोर्ट है इसका, और बेहतरीन सपोर्ट नजर आता है, 20 रुपए 35 पैसे जो इसका हाई था, सॉरी 22 रुपए 35 पैसे इसका आई था, 21.85 पे बंद होता हुआ नजर आया। मैंने जब यहाँ पर वीडियो बनाई थी आपको यहाँ पर एक टारगेट दिया था, ओके, 24.40 का यहाँ पर एक टारगेट दिया था, तो अब जो भी यहाँ पर ट्रेड ले रहा है, इवन मैं भी यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, अब यहाँ से हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस खेलेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर चीजें बिल्कुल टारगेट के पास आ गई है। उस केस में क्या हो सकता है, या तो इस टारगेट को क्रॉस करके ऊपर चली जाएगी या इस टारगेट को क्रॉस करके नीचे आ जाएगी, तो यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का अब काम आ गया है, एक स्टॉप लॉस, एक ऐसा स्टॉप लॉस देंगे कि अगर चीजें ऊपर जा रही है तो, और फिर उसके बाद चीजें नीचे आ जाती है, क्यों, काफी बार होता है कि हम जब टारगेट को अचीव करने जाते हैं तो इस केसेस में क्या होता है, उस केसेस में यहाँ पर जो चीजें आती हैं होती है ना, यहाँ पर इसे टच करके चीजें नीचे आ जाती है,
तो ये हमारे साथ ना हो कि हमारा टारगेट अचीव हो जाए, बट टारगेट अचीव होने के बाद चीजें नीचे आ जाए और दोबारा आइए, क्योंकि कभी 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 ना ये स्टॉक्स लोअर सर्किट और अपर सर्किट में काम करने लग जाता है, और लोअर सर्किट लगता हुआ नजर आए, और लोअर सर्किट अगर लग गया तो ऑब्वियसली बात है हमारा जितना भी हमने जितनी मेहनत करी है वो हमारे बेवकूफों की तरह हो जाएगा, तो हम यहाँ पर प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। तो इसलिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस थोड़ा सा यहाँ पर दे दीजिए, यहाँ पर देखिए 7%, 8%, 10% के हिसाब से शेयर भाग रहा है। ओके, आप जितना एपेटाइट कर सकते हैं, यहाँ पर इसका लो था 20-35, 20-35 बिल्कुल मत दीजिए, जो भी इसका यहाँ पर अपर सर्किट और लोअर सर्किट के बीच में होगा, ओके, उस लेवल को यहाँ पर दीजिएगा, चीजें ऊपर भागती रहेंगी, ट्रेल करते रहिएगा। क्यों? क्योंकि ये हो सकता है कि चीजों यहाँ पर टच होने के बाद मंडे को जब मार्केट ओपन हो टच हो के यहाँ पर चीजें नीचे आए, तो ये ऐसा ना हो, इसके लिए आपको कॉशियस रहना है। तो यहाँ पर देखिए जो टारगेट थे, एक टेक्निक होती है फिबो टेक्निक, ओके, मैंने आपको बताया भी था कि उसके हिसाब से टारगेट हमारे देखिए यही आ रहे थे, और उसके वो टारगेट अचीव हो चुके हैं। यहाँ पर एडवांस फिबो की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर देखिए चीजें यहाँ पर आई थी, आने के बाद यहाँ पर ऊपर गई, ओके, और एडवांस फिबो में अगर हम देखें तो एडवांस फिबो में यहाँ पर जो टारगेट है वो वही टारगेट आ रहे हैं जो कि मैंने आपको पहले बताए थे, तो वही टारगेट अचीव होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस केसेस में क्या करना है, इस केसेस में यहाँ पर आपको चुपचाप यहाँ पर टारगेट मिलते ही साथ निकल जाना है। तो देखिए टारगेट कितने आ रहे हैं, यहाँ पर 25 रुपए 35 पैसे के आसपास, तो आसपास ही यहाँ पर टारगेट आ रहे हैं, तो यहाँ पर चीजें इसे टच करके नीचे आ सकती है। तो टू बी वेरी कॉशियस इस ट्रेड को लेने के लिए, और इसके बाद चीजें ऊपर भी जा सकती है। तो एक अच्छी खासी जंप हो चुकी है, 30 से 35% भाग चुका है, तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा भागेगा, ऑब्वियसली बात है यहाँ से भागने का, नीचे आएगा, नीचे आने का फिर भागेगा वो एक अलग बात है, उस केस में एक अलग स्टडी बनेगी। तो यहाँ पर आपको इससे थोड़ा सा अभी कॉशियस वे में काम करना है, आपको लॉस भी ना हो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का आपको क्या करना है काम। अब बात करेंगे रेनू का, बजाज हिंदुस्तान में क्या है क्या नहीं है वो आपको समझ में आ गया होगा, मैं क्या कहना चाहता हूँ, टारगेट यही है, ओके, यहाँ पर मैं एग्जिट करूंगा, ओके, और अगर या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ हम यहाँ पर काम करने वाले हैं। रेनू का शुगर की हम बात करें, रेनू का शुगर यहाँ पर एक बेहतरीन शेयर, इसने अगर हम यहाँ पर देखें तो एक, अब मैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा। ये यहाँ पर इसने अपना प्रीवियस हाई बनाया था, यहाँ पर देखिए ये प्रीवियस हाई बनाया था, ओके, यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, जब टेक्निकल की बात ही करेंगे सब चीज बताऊंगा तब आपको समझ में आएगी। तो यहीं से देखिए नीचे आ गया था और यहाँ पर कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने का चीजें ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है। अगेन यहाँ पर मैं फीबो टेक्निक और दोनों टेक्निक यहाँ पर लगा के आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगी। तो फीबो टेक्निक के हिसाब से अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो देखिए यहाँ पर ये शेयर ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ पर आया, थोड़ा बहुत कंसोलिडेट किया इसी रेजिस्टेंस के साथ, ओके, यहाँ पर ये सपोर्ट पे ऊपर भागता हुआ नजर आया और इसने यहाँ पर ब्रेकआउट कर दिया है, यहाँ पर ब्रेकआउट कर दिया, और कल की डेट में, और जिस तरीके से ब्रेकआउट हुआ है ना, मुझे लग रहा है कि कल की डेट में दोबारा इसी तरीके से ब्रेकआउट होगा। बट ब्रेकआउट के लिए इसे क्या चाहिए, इसे चाहिए ब्रेकआउट के लिए इस लेवल से निकलना, क्या जो इसका हाई था 63.2, 63.2 को अगर ये क्रॉस करता है तो एक अच्छी रैली इसमें और होती हुई नजर आ सकती है और ये शेयर और भागता हुआ दिखाई दे सकता है। और कहाँ तक भाग सकता है, तो यहाँ पर कहाँ तक भाग सकता है उससे रिलेटेड हम यहाँ पर इस टेक्निक से पता कर लेते हैं कि यहाँ पर ये कितना भागेगा, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये शेयर एग्जैक्टली कितना भाग सकता है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर जूम कर देता हूँ, वॉल्यूम अच्छे खासे है, वॉल्यूम का कोई मैटर नहीं करता यूं, तो देखिए ये शेयर और यहाँ पर जो चार्ट पैटर्न बनाया ना, तो देखिए ये डबल टॉप, इसे कहते हैं डबल टॉप, मतलब एक टॉप ये एक टॉप ये, और यहाँ से ये ऊपर भागता हुआ दिखाई दे रहा है, इसने आज की डेट में भागता हुआ दिखाई दिया लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, और ऐसे जब डबल टॉप बनता है तो चीजें ऊपर जाती है, और ये इसका हाई अगर निकाल देता है तो चीजें और ऊपर जा सकती है। और यहाँ पर जो सपोर्ट होंगे, तो याद रखिए ये सॉरी रेजिस्टेंस होंगे, तो ये सारे के सारे रेजिस्टेंस होते हुए नजर आएंगे। तो पहला टारगेट 65 यहाँ पर है, ओके, लगभग 66 रुपए के आसपास का, इसके बाद दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पर है 75, तीसरा है 84, और फिर है 90-91 के आसपास, तो ये इसके रेजिस्टेंस है, ओके, यहाँ पर चीजें आके नीचे आ सकती है। तो यहाँ पर भी आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ धीरे धीरे काम करना है, और जब और मोस्टली इसका टारगेट है 91 पे जाके यहाँ पर ये नीचे आता हुआ दिखाई देगा। और मैंने यहाँ पर जब एक वीडियो बनाई थी, ओके, जब यहाँ पर तो आपको बताया था यहाँ पर, सॉरी ये हमारा ये आया था, तो यहाँ पर एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर या कप विद हैंडल पैटर्न के हिसाब से टारगेट वो भी कितने आ रहे थे, 80 रुपए के आसपास ही आ रहे थे। तो यहाँ पर ये टारगेट भी अचीव हो रहे हैं, ये टारगेट भी अचीव होते हुए नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप काम कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पर एंट्री ले सकता, ओके, क्या कैंडल बनेगी उसके हिसाब से हम यहाँ पर एंट्री लेंगे। तो यहाँ पर चीजें सीखने की कोशिश करें, जितना सीखेंगे
उतना पैसा यहाँ पर कमाते हुए नजर आएंगे। सीधे पैसे कमाने के ऊपर ध्यान मत दीजिए, चीजों को समझने की कोशिश करें और जब यहाँ पर टारगेट अचीव होंगे तो पैसे अपने आप मिलते हुए नजर आएंगे। बजाज हिंदुस्तान और रेनिको शुगर दो ऐसे बेहतरीन पिक है जो कि यहाँ पर आपको अच्छा खासा पैसा दिला सकते हैं, बट यहाँ पर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है। इन्वेस्ट फॉरएवर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियो यहाँ पर मिलती रहे और यहाँ पर ये पर्टिकुलर नंबर पर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब कोई कहेगा कि आप अभी बता रहे हैं तो पहले से ही स्टॉक्स को बता रखा है, ओके, और जिन्होंने खरीद रखा है उसके हिसाब से यहाँ पर बता रहे हैं कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के चीजों को यहाँ पर ट्रेल करते जाइए। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।